हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो ट्यूब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने इंस्टाग्राम का पुराना अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पुराना वाला आईडी को खोल सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोग जो है इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब दोबारा हम इंस्टाग्राम डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो फिर कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को नया अकाउंट बन जाता है या फिर कोई दूसरा आईडी लॉगिन हो जाता है, पहला वाला आईडी जो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आज के इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, इसकी मदद से आप सबसे पुराना वाला इंस्टाग्राम के अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, खोज सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल हम अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को खोल रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेना है। और फिर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे आने के बाद इंस्टाग्राम के अंदर आपको आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जो है पता तो होगा नहीं पुराना वाला आईडी का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। और यहाँ पे अब अपना पहले वाले अकाउंट को ढूंढना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लॉगिन के नीचे आपको एक बटन देखने को मिलता है, गेट हेल्प विथ लॉगिन इन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देर लोडिंग लेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड योर अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। दोस्तों, जब भी हम लोग अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं तो या तो हम ईमेल आईडी से बनाते हैं या मोबाइल नंबर से बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सभी ईमेल आईडी और सभी फ़ोन नंबर एक एक करके यहाँ पे ट्राई करना है डाल करके, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपका पुराना वाला अकाउंट कौन सा है, और उसके बाद जो है आप उसका पासवर्ड भी पता कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक हमारा मोबाइल नंबर है और ये नंबर से एक इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं इसका आईडी पासवर्ड कौन सा इंस्टाग्राम है, मुझे ये मालूम नहीं है। तो दोस्तों, इसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए। अगर आपका ईमेल आईडी से बना हुआ है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसका सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेंड एन एसएमएस मैसेज, यहाँ पे क्लिक करके जो है मुझे ओटीपी डालना पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर पे कोड आएगा जो मैंने अभी डाला है, और ओटीपी डालने के बाद मुझे पता चलेगा। अगर आपने ईमेल आईडी से बनाया होगा तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी पे जो है मेल जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों, इस नंबर पे जो है एक ओटीपी जाएगा और जो है मोबाइल में अगर लगा होगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आईडी को जो है ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, उसका सिंपली आपको ऊपर के साइड में थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग पे चले जाना है आपको, और यहाँ पे जाकर के आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे करेंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल करके आप अपना आईडी का पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और यहाँ पे जो है आप जो है बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड को यहाँ पे सही कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका ये वाला अकाउंट नहीं है, दूसरा कोई अकाउंट है, तो फिर सिंपल है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे लॉग आउट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये वाला अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, और दोस्तों दोबारा से आप दूसरा मोबाइल नंबर या दूसरा ईमेल आईडी डाल करके ट्राई कीजिए, उस पर अगर इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो दोस्तों यहाँ पे पुराना वाला भी आपका आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पुराना वाला इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं।